दोस्तों कॉमेडी क्वीन और अपनी कॉमेडी से लोगों का खून बढ़ाने वाली कॉमेडियन भारती सिंह पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और भारती सिंह की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने सिख धर्म और सिख धर्म से जुड़े लोगों का मजाक उड़ाया है। दरअसल हाल ही में भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारती यह कहती हुई नजर आ रही थी कि दाढ़ी मुझे क्यों चाहिए, दूध पीने के बाद दाढ़ी को मुंह में डाल दो तो सेवैयों का स्वाद आता है। एंड मेरी सारी दोस्त जिनकी अभी शादी हुई है वो सारा दिन दाढ़ी से जुए निकालने में व्यस्त रहती हैं। बस फिर क्या था, सिख समुदाय के लोगों को यह मजाक बेहद घटिया लगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह का मजाक बेहद बेतुका और शर्मनाक है। इसके बाद भारती ने हाथ जोड़कर सभी से माफी भी मांगी है और कहा है कि जो भी लोग इस वीडियो पर आपत्ति जता रहे हैं वो इसे एक बार और देखें। मैंने कभी भी किसी धर्म या जाति को लेकर कुछ नहीं कहा, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं लोगों को हंसाने के लिए कॉमेडी करती हूं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूं, मुझे बहन समझकर माफ कर देना। लोग भी वो वीडियो देखो, और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, उसके विच मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोला कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल यह प्रॉब्लम होती है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड दे। किसी भी धर्म जात दे लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। दोस्तों आपको बता दें इस बात को लेकर अब कॉमेडियन भारती पर आईपीसी सेक्शन 295A के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। भारती ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी बट कोई हल नहीं निकला और भारती सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।